बॉम्बे था, बाद में मेरे पिताजी थोड़े बीमार थे, घर पे रहने वाला भी थोड़ी समस्या थी, इसलिए फिर मैं इधर आ गया घर पे। फिर दूसरा कुछ विकल्प दिखा नहीं तो दूध का ही मैं ठीक है, और लोगों को इधर थोड़ी तकलीफ थी दूध वाले भराने भराने की, प्राइवेट वाले मनमानी करते थे। इसके हिसाब से फिर मैंने समिति का सेंटर लिया, और संस्था और केंद्र जी के सपोर्ट मिला मेरे को, महिला समूह बनाया। फिर दूध ठंडे करने की मशीन भी 1000 लीटर की पहले दी मेरे को 2019-18 में। उसके बाद थोड़ा दूध गई साल मेरे 1200-1100 लीटर के आसपास पहुंच गया, तो फिर वो स्टोरेज के लिए थोड़ा कम पड़ा था। इस साल अभी मेरे को 2000 लीटर का सेटअप दिया है दूध। सर यहाँ पे सब ग्राहक लेके आते हैं बरनी में, फिर यहीं कलेक्शन करते हैं, फिर बाद में ठंडा होने के बाद टैंकर आता बनास डेरी का, तो फिर उसमें भरवा के करते। और पहले तो सर वो बिलाने का घी तो बनिए तो रखते नहीं थे, कोई 300 में रखता था, कोई 200 में रखता था। अभी वो सब समस्या सॉल्व हो गई, अब सुबह दूध भराया पूरे दिन फ्री, हर 15 दिन में पेमेंट आ जाता है। और ये इधर किसानों को भी फायदा है कि कहीं जाना नहीं पड़े, फट पेमेंट आया और अपने खाते में डाल दिया, वो अपने आप ले जाते हैं। उसमें सर बहुत बदलाव है, अपनी आजीविका 2-3 पशु रखते हैं तो उनकी आराम से चल सकती है, घर खर्चा है, दाल वाला निकाल के भी घर खर्चा अपना सब कुछ निकल सकता है। सालाना सर लगभग गई साल 1 करोड़ और 7-8 लाख का था, और इस साल 99 लाख और 47-47 हज़ार।